हेलो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने बात की थी संविधान की। तो संविधान में हमने अपने भाग वन को कंप्लीट कर लिया था। तो भाग वन हमारा क्या था? हमारे भाग वन में था संघ और राज्य क्षेत्र। एक बार चलिए देख लेते हैं, उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे भाग वन में क्या था? भाग वन की हमने अपने पिछले सेशन में बात की थी। भाग वन में था संघ और राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र इसका मतलब है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें हमने बात की थी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक की बातें हुई थी। और इसमें क्या था? सारी राज्यों और उसके क्षेत्र में नामों में परिवर्तन करने से रिलेटेड कुछ बातें थी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या कह रखा था? अनुच्छेद 1 में कह रखा था कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है, अर्थात इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन। अर्थात भारत में जो राज्य हैं उनको भारत से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक। और दूसरी बात, अनुच्छेद दो में कह रखा था कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिलाना चाहे तो वह मिला सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद दो के तहत। और अनुच्छेद 3 में बात कह रखी थी कि यदि संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहे तो वह कर सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 4 में कह रखा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कोई से मतलब राष्ट्रपति भी उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी संसद यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 2 में क्या था कि संसद किसी भी बाहरी देश या देश के कुछ दूसरे देश के कुछ हिस्से को अपने देश में मिला सकती हैं, तो यदि वो ऐसा कार्य करे तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 3 यानी किसी भी वर्तमान राज्य में वह नाम, सीमा या क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन करे तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए देखा था कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश जो कि पहले क्या था, 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश क्या था, जो छत्तीसगढ़ का एरिया था उसको मिलाकर पूरा मध्य प्रदेश था। लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद संसद ने किसका प्रयोग करके? अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके 1 नवंबर 2000 को MP से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। यानी अब MP एक अलग राज्य हो गया और छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य हो गया। इसी प्रकार 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया, ठीक। तो ये सारी बातें हुई। अनुच्छेद 4 का भी समझ में आ गया, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, और हमने उसी के साथ बात की थी कुछ अलग, कुछ इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक की। जैसे अखंड भारत के बारे में बात की थी कि हमारे कैसे विभाजन होते गए, अफगानिस्तान हमारे इंडिया से कैसे अलग हुआ, म्यांमार हमारे इंडिया से कैसे अलग हुआ और भारत कब अलग हुआ, ठीक। और उसी के साथ हमने बात की कि हमारे जो देश आज़ाद होने के बाद हमारे जो भारत में कुल देसी रियासतें थी वो 552 थी, उनको कैसे इकट्ठा किया गया, किन किन देसी रियासतों के मतलब एकत्र करने के लिए बहुत मुश्किलें करनी पड़ी, किन के द्वारा एकत्र किया गया, यानी अखंड भारत की नींव किन के द्वारा रखी गई। और हमने बात की सहायोग सहायोग एस के धर आयोग, फजल अली आयोग और पेप्सू राज्य में जो विवादित क्षेत्र था उसको कैसे सॉल्व किया गया। तो ये सारी बात हमने पिछले सेशन में कर रखी हैं। चलिए आज के सेशन को हम बात करते हैं। बेसिकली आज का सेशन होने वाला है हमारा भाग टू के ऊपर। भाग टू में क्या है? भाग टू में पूरी ही बातें किसकी की गई हैं? नागरिकता के बारे में। नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता यानी अर्थात सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में बात की गई है। तो इसको चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो हमारे अनुच्छेद हैं वह हम पढ़ने वाले हैं, 4 तक तो हो गए थे अपने। अब जो भाग टू में जो अनुच्छेद हैं वह हैं 5 से 11 तक। यानी जो भी बातें होंगी इन 5 से 11 की भी जो भी बातें होंगी वह किसके अंतर्गत आएंगी? नागरिकता के अंदर। यानी 5 से 11 तक जो भी बातें होंगी वो नागरिकता के बारे में होंगी और उससे कुछ रिलेटेड कुछ बातें हम पढ़ेंगे, ठीक। चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं भाग टू के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं भाग टू के बारे में। तो भाग टू में जैसा कि हमने बताया कि भाग टू में हमारी बात होगी नागरिकता की,
नागरिकता, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। और इसमें जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि नागरिकता क्या है। नागरिकता को मतलब नागरिकता पढ़ने से पहले हम समझते हैं नागरिकता है क्या। तो नागरिकता की हम बात करें तो जैसा कि अब इसके बाद जो हमारा जो भाग है वह क्या है, भाग तीन में बात होगी मौलिक अधिकारों की। तो नागरिकता क्या है इसको हम थोड़ा रिलेट करके पढ़ते हैं। तो नागरिकता को समझने के लिए हम समझेंगे पहले मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं वह अधिकार जो एक किसी देश के नागरिकों को दिए जाते हैं। अब जैसे भारत में, तो भारत में भी कुछ मौलिक अधिकार होंगे, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहला शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। दूसरा अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और तीसरा इसी प्रकार के बहुत से अधिकार दिए जाते हैं। तीसरा निष्ठा का अधिकार, निष्ठा का अधिकार। और इसी प्रकार हमारे पास कुल मिलाकर काफ़ी कुछ हो गए अधिकार जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ रिलेट करके इसको समझा रहे हैं, ठीक। जैसे हम मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार किसको दिए जाते हैं? किसी देश के नागरिक को, यानी जब वह देश का नागरिक होगा तभी उनको जो मौलिक अधिकार हैं वह दिए जाएंगे। इसी के साथ इसमें और भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सारी बातें होती हैं, लेकिन अभी केवल समझने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी देश के केवल और केवल किसको, नागरिक को दिए जाते हैं। यानी वो किसी देश का नागरिक है और उसी को ही उस देश के जो मौलिक अधिकार हैं उसको दिए जाएंगे। यानी यदि मैं भारत का नागरिक हूँ तो मुझे ये सारे अधिकार हैं और इससे रिलेटेड और भी अधिकार हैं जो हमारे मेरे पास हैं। यदि मैं इस देश का नागरिक नहीं होता तो मुझे ये सारे अधिकार नहीं होते। तो नागरिकता क्या है? नागरिकता की हम बात करें तो नागरिकता हमें जब मिलेगी तभी हमें ये सारे अधिकार मिलेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या और सारी बातें, निष्ठा का अधिकार और सारे जो मूल अधिकार हैं वो मुझे मिलेंगे, ठीक। तो यानी हम मुझे मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। तो समझ गए होंगे कि भारत की नागरिकता यानी नागरिकता का मतलब है क्या है। तो नागरिकता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने देश के नागरिक नहीं हैं तो मुझे मूल अधिकार नहीं मिलेंगे, और आप जानते हैं यदि हमारे पास मूल अधिकार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी देश में नहीं कर सकते। ना ही हम किसी के विरुद्ध भाषण दे सकते हैं, ना हम किसी का मतलब यदि हमारे ऊपर कोई शोषण करे तो हम उसके ऊपर मुकदमा भी नहीं कर सकते। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, किसी भी पार्टी किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यदि आप नागरिकता नहीं है किसी देश की, आप नागरिकता नहीं ली हैं तो आपको क्या अधिकार है उस देश के बारे किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलने के, ठीक। और निष्ठा का अधिकार है यानी आप अपने बारे में कुछ नहीं भी बताना चाहें तो कोई नहीं पूछ सकता, लेकिन यदि आप देश के नागरिक नहीं हैं और यदि कोई पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। तो नागरिकता बहुत ही आवश्यक है। तो हम बेसिकली भाग टू में यही सब बातें करेंगे कि नागरिकता आखिरकार होती क्या है, ठीक। और नागरिकता के संबंधित जो भी बातें होंगी वो 5 से 11 के बीच में होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और चीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि जो हमारे भारत में जो नागरिकता है वो कैसी होती है, एकहरी नागरिकता, यानी भारत में जो नागरिकता दी जाती है वह कैसी जाती है, एकहरी नागरिकता दी जाती है। अगर अब एकहरी नागरिकता कैसे, भारत में जो नागरिकता दी जाती है वह कैसी होती है, एकहरी नागरिकता, यानी हमारे पास कैसी होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है हमारे देश के नागरिकों को। हमारे देश में कैसी नागरिकता होती है, एकहरी नागरिकता होती है। एकहरी नागरिकता से मतलब है हमारा कि भारत देश में हम किसके देश के नागरिक हैं, ना कि राज्य के। हम राज्यों के क्या हैं, निवासी हैं, यानी हम राज्यों में निवास करते हैं, ना कि हम राज्यों के
नागरिक हैं, हम क्या हैं, देश के नागरिक हैं। अब जैसे आप लोगों ने जनरली लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम क्या है, कि हमें राज्य की निवासी, यानी हम किसी से पूछते हैं आप किस राज्य से आए हैं, तो वही कहेगा मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं बिहार से हूँ, या मैं बिहार का निवासी हूँ, मैं झारखंड का निवासी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ। लेकिन आपने कभी ये तो नहीं सुना होगा कि मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ या झारखंड का नागरिक हूँ। नहीं, तो हम किसी राज्य के क्या नहीं है, नागरिक नहीं है, हम राज्य के क्या है, निवासी हैं। जबकि हम नागरिक किसे हैं, देश के। हम जब भी बात करते हैं, हम आज हम कहीं विदेश जाएँ तो लोग पूछे कि आप किस देश से आए हैं, तो हम कहेंगे कि हम भारत देश के नागरिक हैं। ठीक, तो क्या है, हम क्या है, देश के नागरिक हैं। जबकि हम राज्यों क्या क्या है, निवासी, यानी हमारे यहाँ कैसी गहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, तो इसमें हमने कह सकते हैं हम किसी देश के, यानी हम अपने देश के नागरिक हैं, ना कि राज्यों के, हम राज्यों के क्या है, निवासी हैं। ठीक, तो क्या नहीं, नागरिकता हो गई। और इस जो प्रावधान को, जो नागरिकता वाला जो भाग है, इसको कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ठीक, किसके किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब हमने काफ़ी कुछ चीज़ें बात कर ली, नागरिकता क्या होती है, नागरिकता को हमने रिलेट कर दिया कि यदि हमारे पास नागरिकता नहीं होगी, यानी हमारे पास अपने देश की नागरिकता नहीं होगी, तो हम अपने देश के मौलिक अधिकारों की को का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि मौलिक अधिकार आपको तभी प्राप्त होते हैं जब आप उस देश के नागरिक होते हैं। ठीक, और एक गहरी नागरिकता समझ ली कि गहरी नागरिकता को होती, और जो हमारे नागरिकता वाला सिद्धांत है वह कहाँ से आया, ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया गया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेदों के बारे में, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। चलिए अनुच्छेद 5 में बात की गई है कि प्रारंभ में नागरिकता। अब प्रारंभ में नागरिकता से मतलब है कि जब भारत देश आजाद हुआ था, यानी 1947 की। ठीक, 1947 के बाद क्या हुआ था कि तब संविधान तो बना नहीं था। ठीक, तो क्या हुआ था उस समय नेताओं के सामने, या उस समय जो भी पॉलिटिशियंस थे उनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम कैसे अपने देश के लोगों को नागरिकता दें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। तो इसके सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि उस समय एक प्रावधान रखा गया, क्योंकि संविधान नहीं था, कोई आर्टिकल भी नहीं था, तो उस समय एक प्रावधान रखा गया। क्या रखा गया था, प्रारंभ में नागरिकता। क्या रखा गया था, प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता। अब प्रारंभ में नागरिकता मीन्स मतलब है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास कोई संविधान नहीं था। अब संविधान नहीं था तो हमें नागरिकता तो देनी ही थी दो लोगों को, तो उस समय प्रावधान रखा गया कि जो जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ था, उस समय मैं बात कर रहा हूँ जब देश आज़ाद हुआ है। ठीक, तो प्रारंभ में नागरिकता में प्रावधान था कि उस समय रखा गया कि जिसका जन्म भारत में हुआ, यानी जन्म के आधार पर, क्या यदि जन्म भारत में है, जन्म भारत में हुआ है, भारत में हुआ है तो उसे नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ठीक, उसको कुछ नहीं, यदि आपका जन्म भारत में जन्म हुआ है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, यदि मैं हूँ उस समय, यदि मैं होता और मेरे माता पिता भारत के, माता पिता भारत के हैं, तो उस समय भी क्या हो जाएगा, मुझे नागरिकता मिल जाएगी। कब बात हो रही है, संविधान के पहले, यानी जब देश आज़ाद हुआ था। तो यानी माता पिता भारत के हों तो आप उसके बेटे को क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। माता पिता भारत के हों, भारत के हों। तीसरी बात करते हैं, अब तीसरी बात हुई कि जब संविधान बन गया। ठीक, ये तो संविधान के पहले हुए, जब संविधान बन गया या सॉरी सॉरी इसमें क्या था कि तीसरा तो आ गई, आप संविधान बनने से पहले यदि भारत में रहते हैं और आप चाहते हैं हमें नागरिकता मिले, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। यानी संविधान के पहले जो भी आया भारत में उसको नागरिकता मिली। यदि कोई पाकिस्तान से भी आया, क्योंकि 1947 के पहले तो सभी एक था, एक अखंड भारत के रूप में थे, लेकिन क्या था, जो
रेडक्लिफ रेखा खींच दी गई, जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में बात की थी, और भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, वो भी धर्म के आधार पर उसका विभाजन हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान एक और पश्चिमी पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो क्या हो गया 1971 के बाद बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश के रूप में स्थापित हो गया। ठीक, उसकी बात हमने अपने पिछले सेशन में की थी। ठीक, तो यहाँ पर संविधान से पहले जो भी हमारे भारत में आया वह पाकिस्तान से आया, उसको भी क्या दी गई नागरिकता दी गई। संविधान से पहले जो भी व्यक्ति यहाँ आया, भारत आया, उसको नागरिकता दी गई। ठीक, तो यहाँ पर अनुच्छेद 5 में केवल यही बात की गई है कि आज़ादी के बिल्कुल जस्ट बाद, तो हमारे पास कोई संविधान तो था नहीं या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसके द्वारा नागरिकों को कह दी लोगों को नागरिकता दी जाए, तो नागरिकता तो देनी थी। तो वहाँ के पॉलिटिशियन के प्रारंभ में नागरिकता एक प्रावधान रखा जिसमें जिसका भी भारत में जन्म हुआ हो उसको नागरिकता दी जाएगी, माता पिता भारत के हों तो उसको नागरिकता दी जाएगी, या संविधान से पहले जो भी आया हो उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6, तो अनुच्छेद 6 में बेसिकली क्या है कि अब थोड़ा सुधार आया, चीज़ें बदलने लगी, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक परमिट रूल लगाएगा अब लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि अब समय थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पाकिस्तान से हर कोई व्यक्ति आने लगा था कि हम भारत में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तान वाले कितने हरामी होते। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने अब क्या अनुच्छेद 6 में, हाँ, तो अब पॉलिटिशियंस ने क्या थी थोड़ा एक बाउंड्री लगा दी, यानी अब कोई यदि बाहर से आता है और उसको नागरिकता लेनी है तो उसके लिए कुछ नियम कानून है, तो अब क्या लगा दिया उन्होंने, लगा दिया परमिट रूल। में क्या है परमिट रूल में हमारा बात आती है, ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 19 जुलाई 1948। ठीक, 19 जुलाई 1948। ठीक है, 19 जुलाई 1948 एक परमिट रूल, इस दिन इस समय एक क्या लगाएगा परमिट रूल। अब परमिट रूल का मतलब क्या होता है, इसमें दो बातें कही गई थी, इसमें क्या कहेंगी, दो बातें कही गई थी। पहली बात थी कि यदि आप परमिट रूल लागू होने से पहले यदि भारत में आ गए हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, यानी पहले भारत आ गए कब आ गए, परमिट रूल लागू होने से पहले, यदि आप 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गए हैं, यानी 1947 के बाद और 19 जुलाई 1948 के पहले यदि आप भारत में आ गए हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, और यदि आप परमिट रूल लागू होने के बाद आते हैं, यानी कहाँ से आते हैं, पाकिस्तान से भारत आते हैं, पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, कब आते हैं, यदि आप पहले आ गए हैं इसके परमिट रूल लागू होने के पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। यदि आप पाकिस्तान से इंडिया कब आते हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। ठीक, 6 महीने तक वेट करने के बाद यदि सरकार उस समय चाहेगी, यानी उस समय किसकी थी सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय यदि वह सरकार चाहेगी तो आपको क्या नागरिकता दी जाएगी, नहीं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कर दिया जा सकता है। वह तो उनके सूचनानुसार है पॉलिटिशियंस के, वो आपको नागरिकता देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, दूसरी बात कही थी कि यदि आप परमिट रूल के बाद आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद छः महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, और यदि सरकार आपको नागरिकता देती है तो आपको नागरिकता मिल सकती है, नहीं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या प्रावधान था, रजिस्ट्रेशन के 6 माह बाद, 6 माह रजिस्ट्रेशन के 6 माह बाद नागरिकता दी जा सकती है। अब इसमें ये तो कहा नहीं गया था कि आपको दे ही दी जाएगी यदि आप पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, कब 19 जुलाई 1948 में, तो आपको दी जा सकती है, यानी
आपको नहीं भी दी जाएगी, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, बस उस समय के सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो अब पहले की बात है, अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि अब यदि कोई आता है तो अब उसको थोड़ी नागरिकता दी जाएगी, अब तो उसके नए प्रावधान है, उसमें संविधान संशोधन करके काफ़ी नागरिकता अधिनियम लाया गया है, तो वो सारी बातें अलग हैं। ठीक, ये प्रारंभ में बात होती है जब देश आज़ाद हुआ था, लेकिन क्या अनुच्छेद हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा या मुझे बताना पड़ेगा। ठीक, चलिए हमने बात की अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 की, अब इसी प्रकार हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। ठीक, तो अनुच्छेद 7 में हम बात करें, अनुच्छेद 7 में क्या था, अब क्या था, कुछ लोग क्या थे जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था यानी स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले ही सभी लोगों को 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो सभी को उसके बाद सभी को पता चल गया था कि अब हमारा देश आज़ाद होने लगा होने वाला है, और इसी के साथ हमें यह भी क्या होने लगा था, आवाज़ होने लगा था यानी 1947 के पहले से ही कि अब कहीं ना कहीं हमारा देश क्या होगा, विभाजित होगा, यानी अब हमारा देश विभाजित होने वाला है। तो उस समय क्या था, कुछ लोग यह आशंका में कि अब देश विभाजित हो जाएगा तो हम कहाँ, मतलब जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, यानी लोगों को यह अपने अंदर ऐसा कहा नहीं गया था, मतलब जनरली तो नहीं कहा गया था कि देश हमारा पहले ही विभाजित, मतलब ऐसे कह दिया हुआ नहीं, ऐसा नहीं कहा था कि पहले से देश होने वाला है, तो वो तो अचानक हो गया था, लेकिन लोगों को क्या है, आपस में एक आभास होने लगता है यानी पता चलने लगता है कि हाँ यार अब ऐसा होने वाला है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा, तो क्या हुआ, वो लोग, उन लोगों के लिए ये अनुच्छेद में कुछ बातें की गई, तो वो लोग क्या हुए इंडिया से पाकिस्तान चले गए। ठीक, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान का जो व्यवहार, मतलब जब वो विभाजित हो गए और उन्हें पाकिस्तान का जब व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो वह क्या हुए, पाकिस्तान से इंडिया लौट कर आने लगे कि भाई, उन्होंने कहा सरकार से हम आज़ादी के पहले वहाँ चले गए, सॉरी विभाजन के पहले पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो अब मुझे फिर वापस इंडिया आना है, तो उसके लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं। ठीक, उसके प्रावधान में क्या है, उसके प्रावधान में एक रखा गया है कि सरकार ने कहा चलिए ठीक है हम आपकी बात मानते हैं और आपको नागरिकता हम देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अब वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आप यदि 1 मार्च 1947 यानी 1 मार्च 1947 के बाद यदि देश से गए हैं तो ही, मतलब इंडिया से पाकिस्तान गए हैं और फिर पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं तो आपको नागरिकता भारत की मिल सकती है, लेकिन उसके लिए भी एक और कंडीशन है, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो सरकार ने क्या कहा, चलिए हम आपको नागरिकता तो देते हैं, देना देंगे, लेकिन उसके लिए आप कंडीशन फॉलो, क्या कंडीशन, 1 मार्च 1947। ठीक, सरकार ने कहा आप इस डेट के बाद यदि इसके डेट के बाद यदि आप गए हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी, और यानी आप इस डेट के बाद इंडिया से कहाँ गए हैं, पाकिस्तान गए हैं और फिर इंडिया आना चाहते हैं, कब, जब आप इस डेट के बाद गए हैं, इससे पहले गए हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, साफ कह दिया सरकार ने, यदि आप 1 मार्च 1947 के पहले गए हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गए हों और पाकिस्तान से फिर इंडिया आना चाहते हो तो आपको नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए भी एक शर्त है, उसके लिए क्या शर्त है, उसके लिए शर्त है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, यदि आपको सरकार चाहे तो नागरिकता दे सकती, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकती। सेम इस जैसा इस दूसरी, मतलब जो हमने अनुच्छेद 6 में पढ़ा था, दूसरी वाली कंडीशन सेम वही, यानी रजिस्ट्रेशन के 6 महीने, रजिस्ट्रेशन के 6 माह बाद नागरिकता दी जा सकती, यहाँ भी दी जा सकती वाला फॉर्मूला, क्योंकि सरकार चाहे तो मना भी कर सकती है, मुझे आपको नागरिकता नहीं देनी, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो हमने क्या अनुच्छेद 5, 6 और 7 की बात कर ली थी, अब ये क्या था, ये मतलब आज़ादी के बाद तुरंत बाद की चीज़ें थी, तो इनका अब अस्तित्व नहीं है, मतलब अस्तित्व से मतलब इनका आजकल, अब यदि कोई पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान के लोग हैं
अब इसका प्रयोग करके भारत में नागरिकता नहीं ले सकते, या इसका प्रारंभ में नागरिकता का प्रयोग करके अब लिया सकते नहीं। अब तो हमारे 75 साल पूरे हो गए हैं स्वतंत्रता के, तो अब तो काफ़ी समय बीत गया है, तो अब इनका केवल अनुच्छेद में रखे हुए हैं जिसको पढ़ाया गया है, लेकिन अब इनका मतलब यूज प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 8 की। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 8 की। ठीक, तो अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 8 में बात की गई है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से विदेश जाता है किन किन कारणों, यदि कोई व्यक्ति भारत से विदेश जाता है किस किस कारण से, नौकरी करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या भ्रमण करने के लिए, किस किस कारण, क्या क्या करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, या नौकरी करने के लिए, तो उस व्यक्ति की भारत देश की नागरिकता कैंसिल या उसकी नागरिकता कहीं नहीं जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि यदि आप भारत देश के नागरिक हैं और यदि आप भारत यानी किसी विदेश या दूसरे देश में पढ़ाई करने यानी शिक्षा प्राप्त करने, भ्रमण करने या नौकरी करने जाते हैं तो आपकी नागरिकता को कुछ नहीं होगा, यानी आपकी नागरिकता यानी सुरक्षित रहेगी, यानी आपकी नागरिकता की सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुच्छेद 8 में है। किन किन बेसिस पर, शिक्षा के लिए यदि आप गए हैं, यदि आप भ्रमण करने के लिए गए हैं, यदि आप नौकरी करने के लिए गए हैं, तो आपको जो नागरिकता की सुरक्षा किसके तहत है, 8 के तहत है। क्या बात है, किस किस कारणों से, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं, शिक्षा के लिए गए हैं, भ्रमण के लिए गए हैं, या फिर आप नौकरी करने के लिए गए हैं। ठीक, कहाँ गए, किसी दूसरे देश में, तो आपकी जो नागरिकता यानी जो भारत की नागरिकता है वह सही सलामत रहेगी, इसकी जिम्मेदारी अनुच्छेद 8 ने ली है, यानी इन सब कामों में आपकी नागरिकता सुरक्षित है। अब इसमें आप कुछ गलत काम तो थोड़ी कर रहे हैं, आपकी आप केवल शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या भ्रमण के लिए तो गए हैं, आपकी इसमें नागरिकता की कोई मतलब बात नहीं आती, मतलब आपकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी। यदि आप वहाँ जाकर हमारे देश के बारे में कुछ गलत कहते हैं या देशद्रोही कार्य करते हैं, देश विरोधी कार्य करते हैं, तो आपकी नागरिकता हटाई जा सकती है। ठीक, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। ठीक, अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, मतलब आप भारत के नागरिक हैं ऑलरेडी और आप विदेश गए, घूमने गए, नौकरी करने के लिए गए या शिक्षा प्राप्त करने गए और आपको उस देश में अच्छा लग गया, ठीक, यदि आप उस देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता जो है रद्द हो जाएगी। यदि आप जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लेंगे, भारत की नागरिकता ख़त्म, ठीक, कोई चांस नहीं है कि आपको दोहरी नागरिकता यानी आप इस भारत की भी नागरिकता लें और दूसरे देश की नागरिकता लें, तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक मुख्यमंत्री हो, कोई भी हमारे देश का कोई भी हो, यदि वह दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत देश की नागरिकता अपने आप ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो क्या कहता है इसमें, यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता ख़त्म, नागरिकता ख़त्म। ठीक, तो अनुच्छेद 8 में क्या कहा सकता, यदि आप शिक्षा, भ्रमण या नौकरी के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपने नागरिकता सुरक्षित रहेगी। ठीक, और यदि आप दूसरे देश की नागरिकता ली, अनुच्छेद 9 में यदि आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा अनुच्छेद 9। ठीक, जैसे यदि मैं यदि विदेश जाता हूँ, चलिए USA जाता हूँ, तो यदि मुझे यहाँ अच्छा लग गया और मैंने वहाँ की नागरिकता ली तो मेरी भारत की नागरिकता ख़त्म, ऐसे ही ये अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी नागरिक के ऊपर ये जो प्रावधान है वह लागू होगा,
चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई आम आदमी हो, कोई भी हो, आप एक ही देश में रहते हुए दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकते। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 में बात की गई है लोगों के जो लोगों की नागरिकता की सुरक्षा, निहित है इसमें लोगों के नागरिकता की सुरक्षा, लोगों की नागरिकता की सुरक्षा किस में तहत निहित है, जो निहित है अनुच्छेद 10 में। यानी इसमें बात की गई है कि आपको कोई भी देश का मतलब नागरिकता से हटा नहीं सकता, यानी आपकी कोई भी ऐसे ही कोई भी व्यक्ति नागरिकता से हटा नहीं सकता जब तक आपने कोई देश विरोधी कार्य ना किया हो, तब तक आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता। यानी ऐसा नहीं है कि ये संसद या कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपकी नागरिकता ऐसे नहीं छीन सकता। उसके लिए एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। कैसा रीज़न? यदि आपने देश विरोधी कार्य किया है, यदि आप आतंकवादी हैं, या आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे देश को बहुत ही ज़्यादा हानि हुई है, तो आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। लेकिन ऑल द वे और मतलब अदर रीजन के बेसिस पर आपको नागरिकता नहीं। अब जैसे आप किसी को झापड़ मार दें तो इससे क्या आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। ऐसे में आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी। नागरिकता कब ख़त्म होगी? जब आपने देश विरोधी कार्य किया हो, ठीक, या ऐसे कोई कार्य किया हो जिससे हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा हानि हुई हो, उस बेसिस पर क्या कर सकते हैं लोगों मतलब सरकार नागरिकता किसी भी व्यक्ति की नागरिकता ख़त्म कर सकती है। तो बेसिकली अनुच्छेद 10 में बात की गई कि लोगों की नागरिकता की सुरक्षा, यानी आपकी नागरिकता की सुरक्षा का प्रावधान इसमें है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 में हम बात करते हैं कि जो नागरिकता संबंधी कानून है वह कौन बनाएगा। ठीक, तो नागरिकता संबंधी सभी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाता है। यानी इस समय हमारे प्रेजेंट में कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। तो वही क्या करेंगे, यानी उन्हीं के निर्देशन में जो उनका मंत्रालय है वही नागरिकता संबंधी सभी कानून बनाएगा। यानी उसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, कुछ नया ऐड कर सकता है। ठीक, तो वो सारी बातें कौन करेगा? संसद का गृह मंत्रालय करेगा। यानी इसमें हम लिख दें नागरिकता संबंधी सभी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक, ये बातें थी। चलिए अब हमारे देखो, हमने सारी अनुच्छेद बात कर ली, भाग टू के 5 से 11 तक में जो भी बातें थी हमने सारी आपको बता दी। ठीक, चलिए जैसे हमने देखा कि अनुच्छेद 8, 9, 10 और 11 ये अभी भी हमारे देश में अभी मतलब प्रेजेंट में यदि आप कुछ करते हैं तो आपको ये निहित है। जबकि अभी हमने जो 5, 6 और 7 देखे वो हमारी कब की बात थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उनका प्रयोग आज के समय में नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति मतलब पाकिस्तान से आए और आप कहे कि हमें उस अनुच्छेद 5, 6 या 7 के तहत आज मैं नागरिकता लेना चाहता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अब हमारे देश के जो नागरिकता के नियम है वो कुछ बदल गए हैं। जैसे अभी अभी हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। तो उसके तहत अब मतलब कोई चाहे तो वो पुराने अनुच्छेदों के तहत कोई आए और उसमें नागरिकता ले ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन 8, 9, 10 और 11 का प्रयोग अभी भी होता है। 11 के तहत संसद का गृह मंत्रालय आज भी क्या कर सकता है? नागरिकता कानून में परिवर्तन कर सकता है। आज भी लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 10 के तहत क्या है? सुरक्षित है। अनुच्छेद 9 के तहत आज भी कोई यदि व्यक्ति बाहर भ्रमण शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए जाता है तो उसकी नागरिकता को कोई आँच नहीं आ सकती। इसका ख्याल कौन रखता है? अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 में क्या रखा है? यदि आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इसी से रिलेटेड कुछ और बातें होंगी, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 उसकी बात कर लेते हैं, उसमें क्या है, और इस सेशन को ख़त्म करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नागरिकता में है नहीं। यानी भाग टू में जो आर्टिकल थे वो समझा ही दिए हैं,
भाग वन अपना ख़त्म ही हो गया था, अब भाग टू में जो थोड़ा पोर्शन रहेगा उसको कवर करते हैं और इस सेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की। ठीक, नागरिकता अधिनियम 1955, तो इसमें देखिए क्या बातें कहेंगे। इसको 1955 में लाया गया था, नागरिकता अधिनियम था, इसमें कुछ बातें कही कि इसमें क्या बातें कही। इसमें कहा गया था कि यदि आपको भारत देश की नागरिकता लेनी है तो आपको कुछ विधियां उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो इस अधिनियम में कुल मिलाकर 5 विधियां दी गई थी, यदि आप उनमें से कोई भी विधियों का फॉलो करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो वो 5 विधि हम पढ़ते हैं, मतलब लाइन से पढ़ते हैं एक एक करके। पहली विधि थी, क्या थी? जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर आपको कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी? तो जन्म के आधार पर भारत में ऐसे नागरिकता मिल सकती है कि आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आपको नागरिकता दी जाएगी। इसमें क्या कहा था? यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर इसमें कुछ संशोधन करके इस चीज़ को हटा दिया गया था और इसको उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई थी, यानी आपका जन्म भारत में हुआ हो और आपके माता पिता भी क्या हों? भारत के होने चाहिए। ठीक, अब इसमें संशोधन क्यों किया गया था तो इसका हम समझते हैं। जैसे आप कोई भी है किसी भी विदेश से का, मतलब कोई भी माता पिता, मतलब जैसे कोई भी दो व्यक्ति हैं, एक कपल है, वह किसी विदेश में रहता हो और वह किसी समय मतलब भारत में आया हो घूमने के लिए, भ्रमण के लिए, और उसी समय उसको उसको बेबी हो जाता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय इसके तहत उस बच्चे को भी नागरिकता दी जा सकती है। ठीक, तो ऐसा बहुत ज़्यादा होने लगा था, लेकिन इसको कम करने के लिए 1982 में, 1982 में एक संशोधन किया गया। उसमें कहा गया कि माँ बाप भी क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए? उसके भारत के होने चाहिए, तभी उसके मतलब बेटे या बेटी को नागरिकता दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें क्या कहा गया? जन्म के आधार पर, यदि आपका भारत में जन्म हुआ, भारत में जन्म हुआ है तो नागरिकता दी जाएगी, कहा गया था इसमें नागरिकता दी जाएगी। पहले शुरुआत में ऐसा कहा गया था, इससे बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा। कोई भी विदेश का व्यक्ति भारत में भ्रमण करने आता है, दो कपल आता है, यदि उसको यहाँ पर बेबी हो जाता है तो उसको नागरिकता दी जा सकती थी इस अधिनियम के तौर पर। लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेज किए गए। इसमें क्या किया गया? इसमें संशोधन किया गया। 1982 में एक संशोधन किया गया जिसमें कहा गया, 1982 में संशोधन किया गया जिसमें कहा गया कि उसके माता पिता भी भारत के होने चाहिए, यानी क्या होने चाहिए? माता पिता भी भारत के हो। ठीक, तो अब भारत, अब माता पिता भारत के होंगे तो आपको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। तो ये था हमारा क्या, जन्म के आधार पर। इसमें एक और संशोधन किया गया था सन 2003 में संशोधन किया गया था। उसका कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है, यानी आपके माता पिता भारत के हों, यदि आपका जन्म यहाँ पर भारत में हुआ हो तो उसके साथ साथ भी आपको यदि भारत की नागरिकता लेनी है तो आप जन्म प्रमाण पत्र या राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट यदि हैं, यानी वैधानिक रूप से नागरिकता लेनी पड़ेगी। इसके बावजूद भी क्या, वैधानिक रूप से नागरिकता लेनी पड़ेगी, तो इसका कुछ ज़्यादा प्रयोग मतलब बात नहीं है, क्योंकि जब आप भारत, माता पिता भारत के, भारत में रहते हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा माता पिता के कारण, राशन कार्ड में नाम आ जाएगा, आधार कार्ड भी बन जाएगा, सारी बातें हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं। इसका महत्व था क्योंकि जब पहले क्या था, भारत में केवल जन्म ही हुआ हो तो आपको नागरिकता मिल सकती, तो इसका काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। कैसे हुआ अभी हमने बात की, लेकिन जब माता पिता भी भारत के, जब 1982 में संशोधन कर दिया गया
तो जब प्रावधान रखा कि माता पिता भी भारत के हों, फिर दिक्कत नहीं हुई, फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन फिर भी एक संशोधन और किया गया 2003 में कि आपके माता पिता भी भारत के हैं, आपका जन्म भी यहाँ हुआ हो, और फिर भी आपको वैधानिक रूप से नागरिकता लेनी पड़ेगी। क्योंकि आज भी मेरे पास देखो आधार कार्ड है या राशन कार्ड में नाम है, तो ये वैधानिक रूप है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं दूसरा, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, वंश के आधार से मतलब है वंश के आधार पर कि आपके माता पिता, माता में से, माता या पिता दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक हो। यदि जैसे कोई व्यक्ति ए है जो भारत का निवासी है, एक बी व्यक्ति है कोई देश का निवासी है। चलिए मान लेते हैं कोई भारत का निवासी ए है जो महिला है, और बी किसी दूसरे देश का निवासी है जो पुरुष है। ए ने बी से शादी कर ली, यानी शादी कर ली, तो इसमें क्या है, ए तो क्या है भारत का नागरिक है, ठीक, भारत का नागरिक है, और बी दूसरे देश का नागरिक है। नहीं, शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं इसमें, उसको मतलब उसकी नागरिकता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ए की नागरिकता को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शादी हो गई, बच्चे होंगे, तो बच्चों को इसके तहत वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है भारत की। कैसे, उसके पिता तो ना भारत के नागरिक नहीं है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी माता तो हैं भारत की नागरिक, माता यानी माँ उसकी भारत की नागरिक हैं, तो इस आधार पर आपको क्या भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपके माता पिता, माता या पिता दोनों में से भी कोई भी यदि भारत का नागरिक है तो आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक, तो क्या था, ए को नागरिकता दी जाएगी क्योंकि आप, ये तो भारत की नागरिक है ना, तो इसका बच्चा यदि लेना चाहे भारत की नागरिक तो वह ले सकता है। किसके आधार पर, क्योंकि उसकी माँ भी भारत की नागरिक है। ठीक, तो इसमें केवल यही कहा गया है, इसमें केवल यही कहा गया है कि वंश के आधार पर, यानी आप यदि उसके माता या पिता में से कोई भी यदि भारत का नागरिक है तो उसको नागरिकता दी जाएगी। यानी इसमें कहा गया है माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, तो उसके बच्चे को क्या नागरिकता दी जाएगी, तो उसके बच्चों को क्या नागरिकता दी जाएगी। जबकि इसमें क्या था, आपके माता पिता भी भारत के होने चाहिए। ठीक, और इसमें क्या कहा गया, यदि आप माता या पिता दोनों में से भी कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरी विधि क्या है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी विधि की। तीसरी विधि है यानी पंजीकरण, पंजीकरण। तीसरी विधि का नाम पंजीकरण। इस पंजीकरण का प्रयोग तब किया जाता है यदि आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं और भारत देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो वो सारे प्रावधान इसके तहत आते हैं। कैसे ले सकते हैं वो बातें इसमें की गई हैं, कैसे ले सकते हैं। तो यदि आप दूसरे देश के नागरिक हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आपको भारत में किसी भी लड़के या लड़की से विवाह करना पड़ेगा, यानी आपको शादी करनी पड़ेगी, या आप नौकरी कीजिए, और शादी या नौकरी करने के लगभग 7 साल बाद तक, यानी 7 साल के बाद लगभग 7 साल आपको भारत में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप जिस देश की नागरिकता पहले लिए हो आप उस देश में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। कब तक, 7 साल तक आपको भारत में ही रहना पड़ेगा। ठीक, तभी आपको नागरिकता दी जा सकती है, तब भी दी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको मिल ही जाएगी, तब भी क्या दी जा सकती है। तो इस पंजीकरण में क्या रखा है कि यदि आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आप भारत के किसी भी व्यक्ति, किसी भी पुरुष या महिला से पहले आपको शादी करनी पड़ेगी, या आप नौकरी कीजिए। कब तक, 7 साल, 7 साल तक शादी करने के बाद या नौकरी करने के बाद 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। और यदि आप 7 साल तक लगातार भारत में रहते हैं तो आप अपने बारे में, यानी आप कह सकते हैं सरकार से, आप विनती कर सकते हैं कि मैं 7 साल मैंने इससे शादी की है, या मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और मैं 7 साल से भारत में ही रह रहा हूँ, मतलब 7 साल तक मैं कहीं भी किसी और देश में नहीं गया हूँ, और मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ, तो
आप कृपया मुझे भारत की नागरिकता देने की कृपा करें। लेकिन वो क्या करेगा, गृह मंत्रालय को क्या कह देगा, अपने जो जो निवेदन या प्रार्थना पत्र है वह सौंप देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अनुच्छेद 11 में कि जो नागरिकता संबंधी सभी कानून है या कोई भी डिसीजन है वो कर लेता है संसद का गृह मंत्रालय का। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, गृह मंत्रालय में अपनी प्रार्थना पत्र भेज देगा, और जैसे ही प्रार्थना पत्र भेजेगा मतलब वहाँ के जो मंत्री या सचिव हैं वो देखेंगे, यदि वो चाहेंगे कि आप भारत की नागरिकता लो तो ले सकते हैं, यदि वो उस प्रार्थना पत्र को कैंसिल कर देंगे तो आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक, तो यहाँ भी क्या है, दी जा सकती है, ना कि आपको मिली ही जाएगी। ठीक, तो इसमें ये सारी प्रावधान रखा गया है। ठीक, यानी इसमें आपने किसी दूसरे देश से हैं तो नागरिकता लेना चाहते हैं, आप समझ गए। ठीक, अब बात कर लेते हैं चौथा है देशीकरण। देशीकरण में क्या है, देशीकरण में बेसिकली बात होती है सेम उसी प्रकार आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। ठीक, तो इसके देशीकरण के तहत यदि आप नागरिकता लेंगे तो उसके लिए आपके लिए क्या प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान है आप कला विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र से हैं। ठीक, दूसरे देश के नागरिक हैं लेकिन आप कला विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र में हैं और आप भारत की कोई भी भाषा जानते हो, ठीक जानते हो और भारत में रह रहे हो, और आपको 10 साल तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा तो आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। क्या कहा गया है इसमें, इसमें कहा गया है यदि आप दूसरे देश के नागरिक हों और भारत में रह रहे हों प्रेजेंट में, और आपको भारत की कोई भी एक भाषा आती हो, या आप कला के क्षेत्र हों या साहित्य के क्षेत्र हों विज्ञान के क्षेत्र हों, और लगभग आपको 10 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा तो आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। आप मतलब गृह मंत्रालय को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि मैं इस क्षेत्र से हूँ, मैं 10 साल से रह रहा हूँ भारत में लगातार, तो कृपया आप मुझे भारत की नागरिकता देने की कृपा करें। तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय यदि आपको नागरिकता देता है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, तो आपको ऐसे क्षेत्र में नागरिकता मिल सकती है। अब जैसे इसके तहत एक सिंगर थे अदनान सामी, आपने सुना होगा, तो उनको क्या है भारत की नागरिकता दी गई, किसके तहत, देशीकरण के तहत। वह कहते मुख्यतः पाकिस्तान के निवासी थे, मूलतः पाकिस्तान के निवासी थे, लेकिन वो क्या है कला के क्षेत्र से थे, क्या थे, सिंगर हैं तो भारत में रहते थे, कब से 10 साल से वो पाकिस्तान गए ही नहीं और भारत में रहते थे, वह भाषा यहाँ की भाषा भी जानते थे और कला के क्षेत्र से भी थे यानी गीत गायक थे, तो उनको देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता दी गई। ठीक, तो उसका एक उदाहरण भी आपको मिल गया। चलिए अब बात कर लेते हैं पाँचवा होता है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार से मतलब है अर्जित भूमि के आधार पर, जैसे यदि भारत ने किसी देश के ऊपर कब्जा कर लिया तो उस देश को जब भारत में मिलाएंगे तो वहाँ के नागरिकों को कोई भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी, यानी मिलेगी, उनको भी नागरिकता मिलेगी। अब जैसे या कोई देश अपने स्वयं से इच्छा से भारत में शामिल हुआ है तो हमारा देश क्या अर्जित भूमि के आधार पर के तहत उस देश के लोगों को नागरिकता देगा। जैसे कि हमने पिछले अपने सेशन में बात की कि सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था 36वें संविधान संशोधन 19 मई को बात की थी हमने 1975 में कि सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत। उसके तहत वह क्या सिक्किम को भारत का एक 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था, तो उस समय सिक्किम को क्या सिक्किम के नागरिकों को भी भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी थी। तो किसके तहत दी थी, उस समय दी थी हमने अर्जित भूमि के आधार पर, यानी हमने उनकी भूमि को अर्जित किया और वहाँ के नागरिकों को क्या नागरिकता हमने प्रदान कर दी, तो इसके तहत हमने सिक्किम को दी थी, तो ये इसका उदाहरण हो सकता है। चलिए, तो हमने क्या है सभी नागरिकता अधिनियम की बात कर ली, और भाग टू में जो नागरिकता से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे 5 से 11 तक वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए, उनके बारे में हमने समझ लिया कि उसमें क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक, तो हमारा क्या है बेसिकली भाग 1 और भाग 2 दोनों ही पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं,
तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।